यहाँ पे नज़र रखने की सलाह रहेगी। अच्छा राजेश जी, एक बात जरा, नायका का चार्ट लेके आइएगा। नायका की लिस्टिंग धमाकेदार हुई थी, पैसा दोगुना हो गया था, आपको सभी को मालूम है। 2 दिसंबर को इसने हाई लगाया था, 2505 का डिप आया, 1220 का लो है, लेकिन सब्सटेंशियल रिकवरी अगर आप देखें लोअर लेवल से है। राजेश जी, नायका पेटीएम मतलब 197 कम्युनिकेशन, जोमैटो, इन सब में कोई इंटरेस्ट है आपका इन लेवल्स पर? कुछ क्लाइंट्स को खरीदवाया है क्या लोअर लेवल्स पर? देखिए, समय की पाबंदी थी, अंत में एक स्टॉक इसमें नायका का ही जोड़ने वाला था। इतने करेक्शन के बाद करीब करीब 2500 के लेवल्स जाने के बाद ये वापस 1300-1400 तक उतर गया था और वापस 1800 तक आ रहा है। जिस तरीके से ये अनलॉक खुल रहा है ना, तो लोगों की बाहर आने जाने की स्थिति चेंज होती जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, खास करके कॉस्मेटिक्स वगैरह, वहाँ पर डिमांड बढ़ती जा रही है। इनके टाइप्स अच्छे ब्रांड्स के साथ है, एक इकलौती ई कॉमर्स की कंपनी कह सकता हूँ, या बहुत रेयरली ऐसी कंपनी है जो मुनाफे पे बैठी है। 40 सिटीज़ में करीब करीब 80 स्टोर्स इनके हैं, और पिछले दिनों में कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था कि कुछ नए प्रोडक्ट्स के साथ भी इन्होंने टाइप किया है। मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छा अपसाइड बन सकता है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले साल भर के अंदर ये जो इनकी ऊंचाई थी 2500 के आसपास की, वो दोबारा छू ले। इसके अलावा अगर फिनटेक कंपनी कहा जाए या ई कॉमर्स की कंपनी कहा जाए, तो इस वक्त मैं सिर्फ नायका के साथ ही जाना चाहूँगा, दूसरे में थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। नायका को हाँ, बाकी को अगर आप देखें, किसी को नहीं, नहीं अभी हाँ नहीं कहेंगे आप। मीन वाइल एक दो स्टॉक्स और देख लीजिए जिनको मंडे मॉर्निंग को आपको देखना पड़ेगा। कंटेनर कॉर्प बहुत सीरियस एफर्ट करता हुआ अपने फ्लैग पर फोर्ट करने की, यानी अगर आप देखें जो पैटर्न्स इसने 2-3 दिन पहले अगर आप देखें जिससे इमर्ज हुआ था ये स्टॉक 6 अप्रैल को, उस लेवल को रीगेन करने की कोशिश करता हुआ। मानस पॉसिबली अगर आप देखें, ये इस कार्यक्रम का आखिरी स्टॉक होगा, 720 के ऊपर अगर कंटेनर कॉर्प ट्रेवल करता है, ट्रेड करता है, या फिर 710 के ऊपर, तो इस क्लासिकल फ्लैग का जो टारगेट है, प्राइस पोजिशन है हायर लेवल्स पर, क्या होगा वो? तो देखिए, 2 दिन पहले स्टॉक ने जो जनवरी के हाई थे उसको ब्रीच किया था, उसके बाद कल हमें प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल पे देखने को मिली। लेकिन देखिए, आज का जो मूव है वो तो क्लियर कट ब्रेकआउट केस है वीकली चार्ट पे, क्योंकि वीकली चार्ट पे जो हर्डल था 700 रुपए के आसपास, वो ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब 745 के आसपास का रहेगा। पोजिशन ट्रेड करेंट लेवल्स पे लेना चाहिए, स्टॉप लॉस 684 के नीचे रखिए और टारगेट सेट करिए 745 के। ओके, तो कॉनकॉर में ट्रेड भी कैरी करने वाला है, और कॉनकॉर का जिक्र हम कल परसों ही कर रहे थे, एक तगड़ा मूव इसने दिखाया 706 के लेवल्स पर। जाते जाते कोटक महिंद्रा बैंक ने अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ाई है, बजाज ऑटो भी पॉजिटिव टेरिटरी में। कोटक में कोई ट्रेड जो आप कैरी करना पसंद करेंगे आशीष चतुर्मोता जी? देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर पे बेस बिल्डिंग बिल्कुल शुरू हो चुकी है, और अभी जो बहुत ही शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स हम देखते हैं वहां पर पे एक रिवर्सल स्टॉक में आया है, तो डेफिनेटली 1765 के स्टॉप लॉस के साथ कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी की हमारी राय रहेगी। ऊपर में मैं मानता हूँ 1860-1870 की ट्रेजेक्ट्री 2-3 दिनों में कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक में आती हुई नजर आ सकती है।